22 रजब नू सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला दी वफात होती है। ये लोग सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दे निजामे हुकूमत तो जेलसी होंदिया होया उन्हां तो कराहत महसूस करदे आ इस्लाम दी इतनी सल्तनत नू फैल जाने तो तंगी में भी इस्लाम इतने इलाकों चला गया, इतनी बड़ी हुकूमत बन गई इस्लाम दी, इस्लाम का इतना गलबा हो गया, इस्लाम तो जल्दियां होया सैयदना अमीर मुआविया दे बारे दे अंदर रजी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे दे अंदर खबासतां कीतियां जांदियां ने, हरजा सराई कीती जांदी है, अपनी जुबान नू जड़ा है वह गलत मामलात दे विच इस्तेमाल किया जाता है, गलत अल्फाज दे नाल लबरेज किया जाता है। प्यारे भाइयो, हिंदुस्तान दे एक शख्स की बात लिखी है कि दास्तान अजीब, किताब का की नाम है दास्तान अजीब, किताब का की नाम है दोबारा याद कर लो दास्तान अजीब, उसके अंदर लिखे है कि इमाम जाफर सादक रजी अल्लाह ताला नु अलैहि सलाम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जाफर सादक ने फरमाया जेड़ा बंदा 22 रजब वाले दिन मेरे नाम की नियाज करे, हालांकि आले रसूल दा नज़र न्याज दे बारे अकीदा गलत हो सकता नहीं। सब तो पहली बात किताब दा ही नाम दास्तान अजीब, ना कुरान दी बात ना हदीस दी, अजीब बात। हाँ जी, सब तो पहली बात। अच्छा, उदे अंदर लिखिया दास्तान अजीब दे अंदर जड़ा 22 रजब नू मेरे नाम दी नज़र करे न्याज करे, कूंडियां दे नाम नू मेरे जरिए दे अंदर अगे लोगों के अंदर तकसीम करे, वो अपनी हाजत तकसीम करने तो बाद अल्लाह दे हुजूर करे, अगर उदी हाजत पूरी ना होए कियामत वाले दिन मेरा दामन होएगा तो उस बंदे दा हाथ होएगा, ना किताब ठीक, ना बात अकीदे दे मुताबिक, ना अल्फाज आले रसूल दे शयाने शान। आले रसूल दा कोई ऐसा अमल हो सकता है कि साडा हाथ होए तो अस्तगफिरुल्लाह अयाज़ु बिल्लाह उन्ना दे दामन चोए असी मर ना जाइए इस लफ्ज तो पहले। किताब भी गलत, बात भी गलत, अल्फाज भी गलत, ये दुश्मनी दा बनाया होया भड़कूंग भी गलत। अल्लाह ताला सानू हदायत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सानू हक बात नू समझने दी एदे मुताबिक अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।